हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आरती, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये यूपी टेट को लेकर के है। जी हाँ, बहुत टाइम से इंतज़ार हो रहा था कि यूपी टेट के जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। तो बिल्कुल जो यूपी टेट के फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, और ये जो इसकी साइट है वो अलग है, डीलेट की साइट पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप जा सकते हैं। देखिए, यूपी टेट 2019 रजिस्ट्रेशन इन्फो यहाँ पे दिया गया है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है वो भी यहाँ पे है, गाइडलाइन दी गई है फोटो के लिए, जो आप इसमें फोटो लगाएंगे, सिग्नेचर लगाएंगे, सब कुछ यहाँ पे दिया है। स्टेप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टेप वन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे में आपको वेरीफाई करना होगा जो आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको अपना जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, पूरा डिटेल देना होगा। फिर यहाँ पे यदि हम थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में अपडेट पासवर्ड एंड पे फीस, आपको अपना पासवर्ड अपडेट करना होगा, डालना होगा, और फिर यहाँ पे आपको जो फीस है वो पे करनी होगी। जो फोर्थ स्टेप है उसमें कंप्लीट यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी जो आपका एड्रेस है पत्राचार का, वो यहाँ पे भरना होगा। फिर फिफ्थ स्टेप में है अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, वो आपको यहाँ पे करना होगा। कितनी साइज की आपकी फ़ोटो होंगी ये सभी चीज़ें हम आगे अभी देखेंगे। डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके बाद जो आपने फॉर्म भरा है वो डाउनलोड यहाँ पे कर लेना होगा, प्रिंट ले लेना होगा। एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको करेक्शन का टाइम यूपी टेट 2019 में नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, ये आज की न्यूज़ है, आज के पेपर में निकला है कि यूपी टेट में जनरली सभी में जो है करेक्शन का, यानी सुधार का फिर से टाइम जो दिया जाता है, वो टाइम यहाँ पे नहीं, वो जो यहाँ पे है नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार में और अच्छी तरह से अपने फॉर्म भरने हैं। यदि आपने कोई गलती आपसे हो गई है अपने इस फॉर्म में, तो वो गलतियाँ आगे भी बरकरार रहेंगी, क्योंकि इसमें करेक्शन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ये आज के पेपर में स्पष्ट निकला हुआ है। तो जब भी आप फॉर्म भरें, केयरफुली भरें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, अगर डेट में हम देखते हैं तो जो है 1/11 से, यानी 1 नवंबर से जो है रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। कल से लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 20 रखी गई है, लास्ट डेट जो आपके फीस की है वो 21 रखी गई है, और लास्ट डेट जो सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की है, प्रिंट वगैरह लेने की है, वो 22 रखी गई है। इस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 20 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या करना होगा, तो देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए, वेरीफाई रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, फिल एजुकेशन एग्जाम डिटेल, यानी पूरी आपको अपनी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर अपडेट पासवर्ड एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपको अपना पासवर्ड अपडेट करना है और जो आपको फीस सबमिट करनी है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिल कॉरेस्पोंडेंस, देखिए वही है, आपको यहाँ पे पत्राचार, यानी कि एक तरह से आपको यहाँ पे एड्रेस अपना देना होगा। तो जो भी हम ऊपर देख के आए हैं वही सब चीज़ यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे आके आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देशों और प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और सभी आवश्यक जानकारी तस्वीर हस्ताक्षर से स्कैन की गई छवियों को साथ रखें, आप व्यक्तिगत मोबाइल नंबर या निजी ईमेल आईडी भी तैयार रखें, ठीक है, यानी मोबाइल नंबर जो होगा और ईमेल आईडी वो आपको अपना देना होगा, जहाँ पे इजी से आप अपना पासवर्ड वगैरह जो भी मैसेज आए आप देख सकें। फिर दूसरा है, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तो यहाँ पे ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे कि आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2019 है, तो निर्दिष्ट विभागीय वेबसाइट है https://updlet.government.in। मैंने कहा था कि डीलेट की वेबसाइट से इस बार जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो updlet.government.in इसकी वेबसाइट है, और इसी के माध्यम से ही आपको जो है आवेदन करना है, फॉर्म भरना है, इसके अलावा और कहीं नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ में फेक वेबसाइट भी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं, तो 600 जो है वो है आपका जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 400 रुपये की बात करते हैं तो एसटीएससी कैंडिडेट के लिए है, और 100 रुपीज़ जो है जो अदर कैंडिडेट VIHI यानी कि हैंडीकैप जो वगैरह जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है, विकलांग लोगों के लिए है। उम्मीदवार का नाम आवेदन फॉर्म में होना चाहिए जैसा कि योग्यता परीक्षा में पंजीकृत है। पंजीकरण प्रक्रिया 3 सरल चरणों का पालन किया जाना चाहिए, ओके,
और यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी कुछ देना होगा। फिर आपको अपना जो है वो वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन जो वेरिफिकेशन है वो करना होगा, जो आपके मोबाइल के या ईमेल के माध्यम से होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो पेमेंट यानी जो शुल्क, जो फीस है वो आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो इमेज वगैरह है वो आपको अपलोड करना होगा। चलिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए पुष्टि पृष्ठ की एक प्रति डाउनलोड करें और यह रखें, यह सभी भविष्य के संदर्भ के लिए जरूरी है। तो जब आप फॉर्म जो है पूरी चीजें कर लें तो उसका प्रिंट जरूर आप निकालें, ठीक है ना। आवेदन जमा करने के बाद आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्ट बदली नहीं जा सकेगी। मैं यही आपको कह रही हूँ कि जो आपको करेक्शन का टाइम है, संशोधन का जो मौका है, वो इसमें नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पूरी आप क्वालिफिकेशन वहाँ पे डाल रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से भरें, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं, पंजीकरण शुल्क गैर वापसी योग्य है। आप चाहें कि आपने ऐसा गलत कर दिया, आपको एक पेपर का देना था, आपने दो पेपर का भर दिया, ठीक है ना। तो अब फिर आप चाहें कि एक पेपर का जो पैसा है वो वापस लौट आए, क्योंकि मेरे पास पिछली बार सीटेट में बहुत सारे इस तरह के कॉल्स आए थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यदि आपने फीस पे कर दिया है तो पे कर दिया, वो वापस नहीं होगा। मैंने ऊपर लिखे दिशा निर्देश भली भांति पढ़ लिए और समझ लिए हैं। स्वीकृत के लिए बॉक्स में क्लिक करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ओके, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए नीचे लिख के आ गया पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि यूजर नेम और यहाँ पे मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए जो पेज है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है, यूपी टेट 2019 रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट्स, आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ पे आपके पिताजी का नेम होगा, यहाँ पे माता जी का नेम होगा, माँ का होगा। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा जो दिया हुआ है ये चीज़ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे यूज़ योर पर्सनल ईमेल आईडी यानी मोबाइल नंबर ऑनली, तो यहाँ पे जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर वही यूज करना है। यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे तो आप सेकंड स्टेप में पहुँच जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सेकंड स्टेप पूछेगा। इसी तरह से आप उसको जब कंप्लीट कर लेंगे उस स्टेप को, तो वहाँ पे भी आपसे पूछेगा नेक्स्ट के लिए, और इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट होते हुए पूरे चरण जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे स्टेप, और लास्ट में जो है आपका फीस का बचेगा। जैसे आप फीस कर देंगे, इसके बाद आपको प्रिंट ले लेना है, और प्रिंट डाउनलोड कर लेना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने पास रखना है। केयरफुली भरिएगा फॉर्म, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, क्योंकि इसमें करेक्शन का मौका आपको संशोधन का नहीं दिया जाएगा, पहले से ही क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए फिर, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में जुड़ जाइए यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए। एनवायरनमेंट का जो वीडियो हम ऑलरेडी लेके आ ही रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को वॉच करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।